हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज़ आयुष मिट्टी। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेयर्स के बारे में। देखो, ये जो आर्टिकल लिया है हमने, ये हाल ही में एडिटोरियल आया था द हिंदू न्यूज़पेपर में मेयर्स के ऊपर। अब उस आर्टिकल को देखते हुए, उसका कंटेंट लेते हुए, एडिटोरियल का कंटेंट लेते हुए, मैंने अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन जोड़ के इस वीडियो में मैं आपको पूरा जो मैटर है वो समझाऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। बात क्या है कि जो कुछ ग्लोबल सिटीज़ हैं बहुत सारी, जैसे कि न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन, वहाँ पे जो मेयर होते हैं वो अपनी कंट्री को लीड करते हैं अर्बन इशूज़ पे, यानी कि वो उस चीज़ के मालिक हो गए। जैसे कि पेरिस की अगर मैं बात करूँ, तो पेरिस में जो भी क्लाइमेट चेंज अब से रिलेटेड जो दिक्कत आ रही है वो मेयर संभाल लेता है अच्छे तरीके से, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। तो वो उस इशू पे अपनी कंट्री को लीड करता है एक मेयर होते हुए भी। भारत में ऐसा नहीं है, भारत में एम्पावर्ड मेयर्स की कमी है। एम्पावर्ड मेयर्स एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं और लाइबिलिटी बढ़ाते हैं। द इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 नोट्स दैट अ थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन नाउ लिव्स इन द अर्बन एरियाज विच प्रोड्यूस 3/5 ऑफ द GDP। इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 का ये देखता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसका जो 1/3 है जो कि अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, वो 3/5 ऑफ दी हमारी जो GDP है वो प्रोड्यूस करती है। यानी इतना इम्पोर्टेंस है अर्बन एरिया का। अब मैं इसके एडवांटेज पे जाने से पहले आपको मैं भारत का सिस्टम बता देता हूँ। आपको पता है कि हमारी जो म्यूनसिपलिटीज़ हैं बेसिकली वो 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के द्वारा ये डील होती है सारे प्रोविजन से इसमें। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे 12th शेड्यूल भी म्यूनसिपलिटी से रिलेटेड बात करता है। तो अपने कुछ यहाँ पे आप कह सकते हैं कि टाइप कुछ तरह की अर्बन गवर्नमेंट्स होती हैं। अब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो गया, म्यूनसिपलिटी हो गई, नोटिफाइड एरिया कमेटी हो गई, टाउन एरिया कमेटी हो गई, कंटेनमेंट बोर्ड हो गया, टाउनशिप हो गया, पोर्ट ट्रस्ट हो गया, स्पेशल पर्पज़ एजेंसी हो गया। तो आज हम बात करेंगे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, क्योंकि मेयर हमारा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में ही होता है। और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आपका जो है बड़े एरियाज़ के लिए होता है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलोर, है ना। ये वहाँ की विधानसभाओं के एक्ट के द्वारा ही एस्टेब्लिश किया जाता है। और यूनियन टेरिटरीज़ में, जैसे कि दिल्ली में अगर एस्टेब्लिश करना हो, तो फिर हमारे संसद के एक्ट के द्वारा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश होता है। जानने वाली बात ये है कि जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है उसकी तीन अथॉरिटी होती है, काउंसिल, स्टैंडिंग कमेटी और कमिश्नर। मैं रिपीट कर देता हूँ, काउंसिल, स्टैंडिंग कमेटी और कमिश्नर। काउंसिल तो एक आपको पता है, नाम से लग रहा है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का डेलिब्रेटिव और लेजिस्लेटिव विंग हो गया। इसमें जो भी लोग होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं पीपल के द्वारा, कुछ नॉमिनेटेड पर्सन भी होते हैं। तो काउंसिल का जो हेड होता है वो मेयर होता है, ये इंपॉर्टेंट है। मेयर के नीचे डेप्यूटी मेयर होता है। अब मेयर एक साल के लिए आता है, रीन्यूएबल टर्म होता है इसका, वापस आ सकता है। एक फॉर्मल हेड की तौर पे इसको माना जाता है। सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये है कि ये केवल काउंसिल की मीटिंग को प्रिसाइड करता है, चेयर करता है, उसके अलावा इसके पास कुछ भी हक नहीं है। क्योंकि म्यूनसिपल जो कमिश्नर आपका आ गया, वो जो डिसीजंस लिए गए काउंसिल के द्वारा वो उसको इम्प्लीमेंट करता है, है ना। तो चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, वो IAS होता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड होता है। तो जो एग्जीक्यूटिव काम है वो तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कमिश्नर के पास ही रहता है। तो ये चीज ध्यान रख लेना कि जो मेयर है उसके पास बहुत ही कम पावर रहती हैं और बहुत कम संसाधन उसके पास रहते हैं कि वो चेंजेस ला सके। भारत की मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे बात की जा रही है कि एम्पावर्ड मेयर्स के एडवांटेज क्या क्या होगा। द सिस्टम विल अलाउ मेयर टू सेलेक्ट अ टीम ऑफ एक्सपर्ट टू हैंडल वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज सच एज हेल्थ सैनिटेशन ट्रांसपोर्ट जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल कर सकने वाली टीम को ये सेलेक्ट कर सकता है मेयर, अगर इसके पास पावर हो तो। सिस्टमेटिक फंक्शनिंग इससे हो सकती है। द मेयर्स ऑफ पेरिस एने हिडाल्गो एंड एज्यूम द लीडरशिप ऑफ क्लाइमेट मूवमेंट इन आइकोनिक वेज। पेरिस और एने हिडाल पेरिस
के जो मेयर है एनी हिडाल्गो, उन्होंने एक जिम्मेदारी ले ली क्लाइमेट चेंज के ऊपर। इस तरीके से हम भी काम कर सकते हैं। मतलब इन्होंने कह दिया कि घरों के ऊपर ग्रीन रूफ बनेंगी, ग्रीन रूफ, ठीक है, मतलब पूरी फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस में, उसमें पूरे घर ग्रीन रूफ्स बनेंगी, ग्रीन छतें बनेंगी। तो इससे पूरी दुनिया की जो अटेंशन है वहाँ गई है। इम्पावर्ड मेयर होगा तो इससे ट्रांसपेरेंसी होगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, और बेसिकली म्यूनसिपल कमिटीज़ में करप्शन भी ज़्यादा हो जाता है तो ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत भी है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स अकाउंटेबल फील करेंगे अर्बन सर्विसेज के लिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो अच्छी चीज़ रहेगी। माफ़ कीजिए, मेरी हेल्थ अभी थोड़ी सही नहीं है। चैलेंजेस क्या क्या, देखो चैलेंजेस, पहला चैलेंजेस हमारे सामने है स्टेटस को। स्टेटस को मतलब क्या होता है, स्टेटस को का मतलब क्या होता है, देखो स्टेटस को का मतलब क्या होता है, जो चीज़ चलते आ रही है वो चलने दो। स्टेटस को का मतलब जो चीज़ चल रही है, तो चैलेंज सबसे बड़ा ये स्टेटस को। भाई हमारा स्टेटस को ये है कि मेयर एक फॉर्मल हेड है, एग्जीक्यूटिव काम म्यूनसिपल कमिश्नर करता है जो कि IAS होता है। अब बात यह है कि क्यों मेयर को, हम जब हमें पता है कि मेयर को पावर देने से सिटी का नक्शा बदल सकता है, रूपरेखा कायापलट हो सकती है, फिर हम क्यों नहीं देते? क्योंकि जो मुख्यमंत्री होते हैं वो नहीं चाहते कि मेयर इम्पावर्ड हो, करिश्मेटिक हो, क्योंकि इनसे उनको खतरा पहुंच सकता है उनकी पॉलिटिक्स में, उनकी पावर में और कई चीज़ों में। और दूसरी बात, मेयर्स पे काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ बन सकती है, वो फेमस हो सकते हैं, तो इनसे जो वोटर्स हैं वो चीफ मिनिस्टर और लेजिस्लेटर कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो इस वजह से मेयर्स का जो इनडायरेक्ट सिस्टम यहाँ पे निकाला गया है कि वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है ना। तो बात ये है कि 1 ईयर रिन्यूएबल टर्म के लिए होता है, लेकिन पुअर परफॉर्मेंस का नाम देते हुए यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन का सिस्टम मेयर के लिए लाया गया है। यानी मेयर कोई IAS का मेंबर नहीं होता, उसका डायरेक्ट इलेक्शन जो है यहाँ पे इनडायरेक्टली होता है। दूसरा चैलेंज है सबसे बड़ा म्यूनसिपल कमिश्नर, जो कि मैंने आपको बता दिया। देखो कुछ कुछ पावर है म्यूनसिपलिटी के पास, कुछ तो पावर होती ही है, उसमें भी जो पावर है वो मेयर के पास ना होकर म्यूनसिपल कमिश्नर के पास हो जाती है। तो एक तो म्यूनसिपलिटी के पास कम पावर, ऊपर से जो पावर है जो म्यूनसिपल कमिश्नर ले गया, मेयर के पास कुछ भी नहीं बचा। तो इट हैज़ टू बी इंश्योर्ड दैट द मेयर हैज़ ऑटोनोमस अथॉरिटी। मेयर के पास अथॉरिटी हो, ये कोई पपेट बन के, पुतला बन के नहीं रह जाए। इसके लिए मेयर को असेस करवाना पड़ेगा सिटी की बजट के लिए, और इसके लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि सिटी की जो भी फंक्शनिंग हो रही है उसमें राज्य का जो प्रशासन है, राज्य सरकार, उसमें दखलंदाजी नहीं करे। कंक्लूजन क्या निकलता है? तो कंक्लूजन ये निकलता है कि जिस तरीके से हमारा दशक आ रहा है, अब 2020 हमारा जो ये दशक गया, जो 2020 हमारा आया, ये प्रोग्रेस हो रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे, पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज पे, UN हैबिटेट न्यू अर्बन एजेंडा शुरू हो रहा है। तो ये सब चीज़ें अगर हम देख रहे हैं तो इनमें जो है सिटीज़ के लिए हमको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करने पड़ेंगे। और सिटीज़ पे द हिंदू में एक बार एडिटोरियल भी आया था कि हमको सबसे ज़्यादा चेंजेस हमारी सिटी में करने पड़ेंगे, और हमारे लिए अच्छा है, भारत के लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि हमारी सिटीज़ अभी इतनी डेवलप्ड नहीं है। तो जो पेरिस वगैरह, न्यूयॉर्क वगैरह जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, तो इनमें अगर आप ग्रीन टेक्नोलॉजी लाते हो तो आपको काफ़ी कुछ कायापलट करनी पड़ेगी, जबकि हमारी रूपरेखा अभी भी इतनी पूरी तरीके से डेवलप्ड नहीं है, तो हम चेंजेस आसानी से कर सकते हैं। तो भारत के सामने एक एडवांटेज है ना, तो हमको सिटीज़ पे स्पेशली भी इसलिए ही ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन इसका काम केवल इलेक्टेड एम्पावर्ड और अकाउंटेबल मेयर ही कर सकता है, ये आपको कंक्लूजन याद रखना पड़ेगा। डेवलपमेंट अगर करना है और डेवलपमेंट को अगर फोकस में लेके चलना है तो राज्य सरकारों को इस इशू को सीरियसली लेना पड़ेगा एंड कन्फर नेसेसरी पावर्स अपॉन मेयर्स टू इफेक्टिवली डिस्चार्ज हिज ड्यूटी। मेयर को उसकी नेसेसरी पावर देनी पड़ेगी। टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इलेक्टेड मेयर एंड म्यूनसिपल कमिश्नर, मेयर मे बी मेड द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द म्यूनसिपलिटी। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो मेयर और म्यूनसिपल कमिश्नर के बीच में,
तो मेयर को एग्जीक्यूटिव हेड बना देना चाहिए म्यूनसिपलिटी का, यानी एग्जीक्यूटिव काम अब तक जो म्यूनसिपल कमिश्नर के हाथों में थे वो काम मेयर के हाथों में सौंप देनी चाहिए। एडिशनली मेयर मे ऑल्सो बी गिवन द पावर टू ऑथोराइज द पेमेंट एंड रिपेमेंट ऑफ मनी रिलेटिंग टू म्यूनसिपलिटी। म्यूनसिपलिटी में पैसों रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड कोई भी अगर पावर है तो वो मेयर को दी जानी चाहिए। टू चेक द स्प्रेड ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट, मेयर मे ऑल्सो बी वेस्टेड विद द पावर टू वीटो रेजोल्यूशन पास बाय द म्यूनसिपलिटी। भाई मीटिंग है, काउंसिल के द्वारा कोई डिसीजन लिया गया, मान लो पसंद नहीं आया, मेयर को लगता है खराब है डिसीजन, तो वीटो कर सकता है रेजोल्यूशन, यानी उसको रिजेक्ट कर सकता है। वोटर अवेयरनेस इज ऑल्सो नेसेसरी एट इट इज द ओनली थिंग दैट विल ड्राइव देम टू वोट फॉर अ लेजिस्लेटर बेस्ड ऑन हिज परफॉर्मेंस इन द स्टेट असेंबली। वोटर अवेयरनेस इसलिए बढ़ानी चाहिए क्योंकि उनको पता चल सके कि उनका मेयर किस तरीके से काम कर रहा है, फिर वो अपने मेयर के लिए वोट कर सकती है। और काउंसिलर्स भी चूज कर सकते हैं, काउंसिल में के जो मेंबर्स हैं जिनको काउंसिलर्स बोलते हैं, है ना, जो कुछ डायरेक्टली इलेक्टेड भी होते हैं, कुछ नॉमिनेटेड पर्सन भी होते हैं, इनको उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर चूज कर सकते हैं। इससे सेपरेशन निकल के आता है दोनों के बीच में कि मेयर के लिए भी वोट हो जाए और काउंसलर्स के लिए भी वोट हो जाए। अगर हमारे देश में डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर सिस्टम आता है तो क्या इसको मैंडेटरी कर देना चाहिए सभी म्यूनसिपलिटीज़ के लिए भारत के संविधान में? देखो, इंडिया कुछ कंट्रीज़ में से एक कंट्री है जहाँ पे लोकल गवर्नमेंट की पावर हमारे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में है। 11th शेड्यूल में हमारा पंचायत है, 12th शेड्यूल में हमारी म्यूनसिपलिटी है। लोकल गवर्नमेंट, दिक्कत की बात यह है कि वो 7th शेड्यूल के स्टेट लिस्ट में आती है। स्टेट लिस्ट में अगर कोई सब्जेक्ट है, इसका मतलब उस पर पावर बनाने की, लो पास करने की इजाज़त केवल राज्य सरकार को, राज्य की विधानसभा को है। तो स्टेट ही इम्पावर्ड है इस पर लो बनाने के लिए। इस फेडरल सिस्टम में, ऐसे फेडरल सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर सकता है, केवल इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क निकाल सकता है, मतलब एक गाइडलाइन बना सकता है, एक फ्रेमवर्क, एक एडवाइजरी के रूप में काम कर सकता है कि लोकल गवर्नमेंट इस तरीके से होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक हमने, हमारा अनुभव कहता है कि जो राज्य हैं वे बेसिकली ऐसा करती नहीं है कि लोकल गवर्नमेंट को वो अपने फंक्शंस दे दें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी ग्राम सभा की बात है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन के एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट और टूल है, पूरी भारत की काया पलट करने के सक्षम है, लेकिन उसके बावजूद भी इनको इतनी पावर नहीं दे रखी। तो वो इसलिए राज्य सरकारों को जो है यहाँ पे, फिर भी अगर हम मैंडेट करने की कोशिश करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए तो नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम गाइडलाइन लिख भी देंगे, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड कर देंगे, तो जो पंचायत, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के साथ हमारे साथ है, जिनको पावर नहीं दी गई, वो इसके साथ हो जाएगी म्यूनसिपलिटी के साथ। तो ये चीज़ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक आइडियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि आप उसमें मैनर बताओ कि किस तरीके से लोकल गवर्नमेंट को इलेक्ट कर देना चाहिए। तो फिर क्या कर सकते हैं? देखो, सबसे पहली बात तो कि जो डायरेक्ट इलेक्शंस है वो तो हो ही, साथ में मेयर का फिक्स टेन्योर भी हो। एक साल का जो पीरियड है वो सफिशिएंट नहीं है। और दूसरी बात, जिस तरीके से मेयर चेंज होते रहते हैं, उस तरीके से पॉलिसीज भी चेंज होती रहती हैं। एक साल कोई और आया, अगले साल कोई और आया, पॉलिसी उसने चेंज कर दी, रिसोर्सेज वेस्ट चले गए। दूसरी बात, मेयर का जो टर्म है वो म्यूनसिपलिटी के टर्म से कोटर्मिनस होना चाहिए, यानी साथ साथ चलना चाहिए। और मेयर को म्यूनसिपलिटी का एग्जीक्यूटिव हेड बनाना चाहिए, ये मैंने पहले भी कह दिया। अभी म्यूनसिपल जो कमिश्नर है, जो कि काउंसिल और स्टैंडिंग कमेटी जो होती है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, काउंसिल और स्टैंडिंग जो कमेटी होती है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, उसके द्वारा जो डिसीजन लिए जाते हैं उसको इम्प्लीमेंट करता है म्यूनसिपल कमिश्नर। मेयर का काम केवल मीटिंग को चेयर करना है। तो जो एग्जीक्यूटिव काम म्यूनसिपल कमिश्नर को थमा रखे हैं, वो काम मेयर को सौंप दिए जाए, ये एक सजेशन के तौर पर काम कर सकते हैं। गाइस, जाते जाते मैं आपको एक बात बता दूं, डिसेंट्रलाइजेशन हमेशा से मेरा एक, मैं कहता हूं कि डिसेंट्रलाइजेशन एक ही तरीका, एक लौता तरीका है जो कि देश के कायापलट को भी चेंज कर सकता है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि पूरी तरीके से पावर को डिवोल्यूट कर दिया जाए। हेल्थ, एजुकेशन, मतलब मैं आपसे अगर कुछ प्रश्न पूछूं कि क्या आपने गांव में, जो गांव में लोग रहते हैं उनसे मैं अगर प्रश्न पूछूं, क्या सरकारी जो अस्पताल हैं, सरकारी जो स्कूल हैं, उनमें डॉक्टर लेट आता है या फिर टीचर लेट आता है, तो क्या आप उनको हटा सकते हैं? आप कहेंगे कि हम हटा तो नहीं सकते, लेकिन कंप्लेन कर सकते हैं। मैं बोलता हूँ किन से,
सरपंच से करके देखिए। मैं कई बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनमें सरपंच सुनते भी नहीं है, और सरपंच इसलिए नहीं सुनते क्योंकि जो वहाँ का SDM है या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है वो नहीं सुनता। तो जाए तो जाए कहाँ पे आदमी। तो ऐसे अध्यापक चलते रहते हैं, डॉक्टर लेट आते रहते हैं, और देश की व्यवस्था खराब होती जा रही है। तो क्यों ना जो पावर है अध्यापक को अपॉइंट करने की, अध्यापक को हटाने की, टीचर्स को लाने की, अपॉइंट करने की, समय पे आ रहे हैं नहीं आ रहे सुनिश्चित करने की, ये पावर क्यों ना ग्राम सभा को दी जाए। अब ग्राम पंचायत अलग है, ग्राम सभा अलग है। मैं इसमें केवल छोटी सी बात बताऊंगा आपको, बाकी आपको इसके ऊपर रिसर्च खुद करना है। ग्राम पंचायत हमारा जो आप देखते हैं कि सरपंच और उसके साथ जो मैम जो टीम मेंबर्स होते हैं, जो वार्ड पंच वगैरह जो है ग्राम पंचायत में सब आ जाते हैं। अब ग्राम सभा होती है, जितने भी गांव में वोट देने वाले लोग हैं, जो इलेक्टोरल कॉलेज है, 18 साल से ऊपर जो भी वोट देने योग्य लोग हैं, उनकी पूरी सभा, उनकी मीटिंग, यानी कि पब्लिक खुद उनके पास पावर आ जाए। तो ग्राम पंचायत से छोटी बॉडी है ग्राम सभा, लेकिन मेंबर्स में ज़्यादा हो और पावर ज़्यादा हो। तो ठीक है, ये चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई होगी तो मैं माफ़ी चाहता हूँ ग्राम सभा वाली, मैं किसी और वीडियो में इसको कंटिन्यू करूँगा। केवल मैं इसको एक आपको एक इस पर प्रकाश डालने की कोशिश कर रहा था। म्यूनसिपलिटी की बात मैं कर रहा था तो सोचा ये बात भी आपको बता देता हूँ। फिर भी म्यूनसिपलिटी वाली जो मैंने वीडियो मैंने आपको बताई उसमें ये ध्यान रखिएगा, मेयर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बारे में पढ़िएगा, म्यूनसिपलिटी के बारे में पढ़िएगा, ठीक है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बारे में हम पढ़ रहे थे भी, म्यूनसिपलिटी अलग चीज़ है, म्यूनसिपलिटी अलग चीज़ है। म्यूनसिपलिटी बेसिकली छोटे टाउन्स के लिए होती है, और म्यूनसिपलिटी में कोई मेयर नहीं होता, म्यूनसिपलिटी में प्रेसिडेंट होता है, और प्रेसिडेंट के पास म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर से ज़्यादा पावर होती है। म्यूनसिपलिटी का जो प्रेसिडेंट है उसके पास काफ़ी ज़्यादा पावर होती है, जितनी कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के पास नहीं होती, क्योंकि उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर भी होती है ना। तो ये आपको याद रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, गुड ब्लेस यू ऑल।